ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज होने वाले हैं finals for the Indian Barbie दिल्ली pageant. तो चलिए guys, मिलते हैं हम अपने judges से. तो हमारी पहली judge है Barbie. Oh hi. और second judge है Rabishia. Hi, मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई. और third judge है Valerina. Hello everybody. तो चलिए मिलते हैं हमारे first contestant से, जिनका नाम है Janet और वो आई हैं मुंबई से. तो मेरा आपसे ये सवाल है जैनेट कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? तुम क्या सोच रही हो जैनेट? अगर कुछ नहीं मैम, वो एक्चुअली आई लाइक टू हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल. एक्चुअली उनके पास शेल्टर नहीं होती ना और कपड़े भी नहीं होते, सो मुझे उन पर बहुत ज़्यादा दया आती है. ओह सो स्वीट ऑफ यू. तो सेकंड है कैन सोफिया. प्लीज मेरा सरनेम है, मैं सिर्फ कैन हूँ, कैन. तो खैर आए हैं गुड़गांव से. तो खैर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप अपने फिटनेस के लिए क्या करते हैं? एक्चुअली मैं ग्रीन सिंपल, नो शुगर, नो फैट, नो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट पीता हूँ, जैसे कि प्रोटीन शेक, और मैं 24 घंटे जिम में रहता हूँ. व्हाट? 24 घंटे? वो हाँ, वो मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ. तो हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है वैलेड, जो आई है न्यू दिल्ली से. मिस वैलेड, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप इंडियन बार्बी ब्यूटी पेजेंट जीत जाएंगी तो आप उसका क्या करेंगी? मैं कई सारी चीजें करूंगी, जैसे मैं अच्छे काम करूंगी और मैं काम अच्छे करूंगी. Okay, fine. तो हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है कायरा, जो आई है चंडीगढ़ से. ये हर साल आती है और हर साल ही हार जाती है. Oh, hello fans, love you so much, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आई होगी और इस बार भी मैं जीतने आ गई हूँ. एक्सक्यूज मी. हेलो. तो कायरा, मेरा आपका ये सवाल है कि आप बता सकती हैं कि ब्यूटी पेजेंट की स्पेलिंग क्या होती है? क्योंकि अगर आप गलती से भी ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट जीत जाए तो आपको उसकी स्पेलिंग करवानी चाहिए. Oh, it's so easy peasy lemon squishy. इतना भी नहीं आता मैम आपको, चलो मैं बता ही देती हूँ. BUTY BOOTY PPEA मतलब मटर, GENT. बूटी पेजेंट. Sorry, but it's wrong. So guys, this is the last round of Indian Barbie Beauty Pageant. This is the most important round. और इसमें हम सबकी dresses के बारे में देखेंगे, किसकी सबसे सुंदर dresses है, जो decide करेगी हमारी judges. तो सारे contestants stage पर आ जाइए. So guys, results मेरे पास हैं. तो टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको रिजल्ट्स बता देती हूँ. तो क्या कोई गेस कर सकता है? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, मुझे ही बताना पड़ेगा. तो रिजल्ट्स मेरे हाथ में है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, पर क्या करें, आपका टाइम वेस्ट तो करना है मुझे. तो ठीक है, अब मैं रिजल्ट्स बता ही देती हूँ, पर एक लंबे से, जिसे मैं बताऊंगी छोटा सा ब्रेक उसके बाद. अब मैं रिजल्ट्स बता देती हूँ. सो द थर्ड ब्यूटी पेजेंट इज कैन. मुझे फर्स्ट आना था, चलो कोई बात नहीं. कॉन्ग्रेचुलेशंस कैन. थैंक यू सो मच. तो अब बारी है सेकंड ब्यूटी पेजेंट जानने की. ऑफकोर्स इनमें से कोई तीन बनेगा, या फिर वो होगी बैलेट, या फिर वो होगी जेनेट, या फिर वो होगी कायरा. मैं आपको एक बात बता दूं कि द सेकंड ब्यूटी पेजेंट इज बैलेट नहीं, बल्कि इन तीनों में से एक है कोई. तो ठीक है, ये जानते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका इंडियन बार्बी
ब्यूटी पेजेंट में। तो चलिए जानते हैं सेकंड ब्यूटी पेजेंट कौन है। सो द सेकंड ब्यूटी पेजेंट इज बैलेट। कंग्रेचुलेशंस बैलेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपकी वजह से मैं जीती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर मैं अगली बार फिर से ट्राई करूँगी कि मैं फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट बन जाऊँ। थैंक यू सो मच। सो द फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट इज बैलेट। नहीं, क्योंकि वो तो सेकंड ब्यूटी पेजेंट है। तो फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट कौन होगा? या फिर तो जैनेट या फिर कायरा। कौन होगा फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट? कायरा होगी या फिर जैनेट होगी, या फिर जैनेट होगी या फिर कायरा होगी। तो ठीक है, इंतजार की घड़ी खत्म होती है। तो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट कौन है। पर नहीं नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद नहीं, बल्कि एक साल 4 महीने 2 दिन बाद। तो देखते रहिए इंडियन बार्बी ब्यूटी पेजेंट। सो द फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट इज जैनेट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस ब्यूटी पेजेंट के अवार्ड मुझे मिलेगा। मैं हूँ विनर, तुम नहीं हो सकती। मैं ही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम विनर नहीं हो सकती। तुम विनर नहीं हो सकती। नहीं, ये जजेस भी बुड्ढे जैसे। नहीं, मैं हूँ ब्यूटी पेजेंट की विनर। जैनेट विनर है। प्लीज तुम आउट। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आउट। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब एक साथ कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब तो पहले से ही स्क्रिप्टेड था और हमने ही कायरा को पैसे दिए थे ताकि हमारा टीवी शो ज्यादा चले। एक्चुअली हम ऐसा ही तो करते हैं हर साल। अगर आप हमारी ऑनेस्टी से इम्प्रेस हुए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। तो अब आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।